नमस्कार, जय सीएलसी। आदरणीय बड़े भाई साहब श्रवण सिंह, सीएलसी बॉस, मैं आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। मैं सेल्फ बॉक्सिंग कोच सतीश कुमार, मेरा गांव कलिंगा है। हमारे गांव में कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है। हमने सीएलसी का नाम यहाँ से रिवासा से सरपंच जी हैं, उनकी बेटी ज्योति जो पीजीआई रोहतक में थर्ड ईयर अभी एमबीबीएस कर रही है, उनसे सुना था। तो सीएलसी का नाम सुना तो मेरा भांजा सीकर के पास ही फतेहपुर में रह रहा था, मैंने उससे पूछा सीएलसी को जानते हो, उन्होंने बोला हाँ अच्छी तरह जानता हूँ। तो अगले दिन सीएलसी देखने गया, सीएलसी में देखा तो बॉस साहब से कॉन्टैक्ट हुआ, उन्होंने जाते ही अपना सब कुछ इंस्टीट्यूट दिखा दिया, हमें बहुत पसंद आया। और मैंने अगले दिन ही घर पे आया और बच्ची का बिस्तर पैक किया, वहाँ पे जाके छोड़ दिया। बच्ची का कोई जानकार नहीं था उधर, ना कोई आसपास का था। एक रिवासा से ज्योति थी, वो थोड़ा बहुत नाम से जानती थी, उधर एक दो बार मुलाकात हुई तब जाना। तो पिछली बार कोरोना के चक्कर में उधर से आना पड़ गया बीच में ही, और पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, 586 नंबर पे अटक गया। तो हमने तो किसी का इंतज़ार किया ही नहीं, जैसे ही रिजल्ट आया और 586 सोचा बाउंड्री पे हैं, हम सीएलसी पहुंच गए। बॉस साहब में इतनी एनर्जी है कि वहाँ पे तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, ये एक एक बच्चे को जानते हैं। दूर से गेट से आते देखा, आ जा बेटे कोई नहीं आपकी बार उसमें भेजेंगे, ये नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं, बोला उधर भेजेंगे आपकी बार। और इस बार पिछली बार 586 थे, आपकी बार 655 नंबर आए, और अच्छे अच्छे कॉलेज मिल रहे थे। हमने हरियाणा में तो अभी बॉन्ड सिस्टम है करवाया नहीं, लेकिन मैंने गुजरात में किया, गुजरात से फर्स्ट राउंड से लेके अभी एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया, तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा है। और ये सब कुछ बॉस की मेहरबानी है, यहाँ बॉस से हमारी बच्ची डे टू डे मिलती रही, हर टेस्ट का रिजल्ट बताती, फिर इनसे ऊर्जा मिलती तो अगले टेस्ट में फिर भी अच्छा रिजल्ट आता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीएलसी में किसी भी तरह की किसी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़कियों के लिए रामबाण है सुरक्षा को लेके। वहाँ पे एक बार एडमिशन करवा दो फिर भूल जाओ, चिंता मत करो क्या होगा क्या नहीं, वहाँ पे सिलेक्शन होके निकलेगा। सबसे पहले मेरे गाँव से मेरी बच्ची एडमिशन करवाने में गया था, आज 10-12 बच्चे तैयार हैं और 3-4 के पहले हो चुके हैं। इस साल में अभी जैसे ही 10वीं का बोर्ड के एग्ज़ाम फिनिश होंगे, 10-12 बच्चे जाने के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ इसी से प्रभावित होकर कि हमारी ये सामान्य लड़की गई थी वहाँ से और सिलेक्शन हो गया, किसी तरह की कोई चिंता नहीं, और सुरक्षा को लेकर तो बिल्कुल नहीं। तो मैं सीएलसी टीम का बहुत ही आभारी हूँ, जिसे हमारे जैसे आम एक्स सर्विस मैन, मैं अभी बॉक्सिंग कोच हूँ स्टेट गवर्नमेंट में, तो हमारे बच्चे का आज सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। जय सीएलसी, जय सीएलसी टीम।